जय हिंद अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों नए सीरीज़ के साथ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं व्यापम परीक्षा की प्रिपरेशन के साथ छत्तीसगढ़ के तीस महत्वपूर्ण वस्तु प्रकार के एम को क्योंकि छत्तीसगढ़ हर जो है दोस्तों व्यापम के सिलेबस में इंक्लूड रहता है और लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपका जो है तैयारी अच्छे से बेहतर से बेहतर होता रहेगा तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो सीरीज का दोस्तों ये पहला पार्ट है और लगातार इसी तरीके के प्रश्न अलग अलग सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलता रहेगा तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए और व्यापम की परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने

जो ईस्वी है इस दिन छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया था चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास दूसरा प्रश्न है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जाता है उत्तर कौशल दक्षिण पंचाल उत्तर पंचाल या फिर दक्षिण कौशल इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है दक्षिण कौशल तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो नाम था वो क्या था दक्षिण कौशल था ठीक है अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में राज्यों में कौन सा क्रम है अगर हम लोग बात करें स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान तो पच्चीसवां छब्बीसवाँ सत्ताईसवाँ या फिर अट्ठाइसवाँ तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा छब्बीसवाँ स्थान है छत्तीसगढ़ का ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ है तो दोस्तों आपको पता होगा पूरे भारतवर्ष में आर्यों का जो है आगमन हुआ है तो इनका मत जो है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग है कि जो है आ, वे उत्तर से आए हैं कई बोलते हैं कोई आ, पूर्व से आया है कोई बोलते हैं पश्चिम से आया हुआ है तो दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में जो इसका प्रवेश हुआ है तो वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है ऋग वैदिक काल में हुआ है या फिर ये दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए हुए थे ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है व्यापम में भी और पी में भी तो दोस्तों कलचूरियों ने शासन किया अंग्रेजों ने शासन किया मराठों ने शासन किया या फिर इनमें से कोई

तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक की आकृति कैसा है तो हमारे पास जो छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य जो प्रतीक है वो किस तरीके का है गोलाकार है सर्पाकार है आयताकार है वर्गाकार है या फिर दोस्तों किस तरीके का है तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो किस तरीके का है दोस्तों तो वो है आपका गोलाकार है ठीक है क्योंकि गोल बना हुआ है ठीक है उसमें क्या है धान की भी बालियाँ हैं ठीक है कुछ निशान भी हैं बिजली का भी है और जल का भी है ठीक है गेहूं के दाने भी हैं आपको देखा होगा ठीक है तो इस तरीके का जो है ये संकेत चिन्ह है ठीक है आ, हमारे छत्तीसगढ़ गढ़वोत्त नवा छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों से जिन ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया गेहूं ज्वार बाजरा या फिर धान तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा धान की बालियों का उसमें संकेत दिया हुआ है ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि लोकसभा निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ में कितने सभा सीटें हैं निर्वाचित हैं नौ ग्यारह तेरह या फिर अट्ठारह तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ग्यारह लोकसभा सीटें जो है छत्तीसगढ़ में आवंटित है अगर दोस्तों जो तो राज्य में लोकसभा के लिए बोल रहा है तो कितना है ग्यारह है राज्यसभा के लिए बोले दोस्तों तो ये जो हो जाएगा राज्यसभा के लिए पांच है ठीक है और इस तरीके से अगर कुल संसद पूछे तो ग्यारह और पांच को जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सोलह ठीक है तो सोलह जो है कुल जो है सांसद हो जाएंगे ठीक है तो आप इस चीज को याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर किया गया है तो प्रश्न है छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा भवन है वो किसके नाम पर से कोई भी नहीं है, तो मिनी माता भवन जो है ठीक है, है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है उसका आवास का क्या नाम है कामना कनक करुणा या फिर कांटा तो इसके लिए दोस्तों आ, कांटा इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा करुणा तो करुणा जो है दोस्तों मुख्यमंत्री के आवास का स्थान है ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है प्रशांत प्रभात कुमार दिनेश नंदन शाह श्री रंगराजन या फिर भाई महावीर तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दिनेश नंदन सहाय जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है तो कल छूरियों ने शासन किया मैंने थोड़ी देर अभी पहले आपको बताया था ठीक है तो वही प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहर नामक जो अभियान है वो प्रारंभ किया गया है तो दोस्तों जो प्रहर अभियान है वो किन मतलब किस चीज़ के लिए बनाया गया है तो राज्यों में बेरोजगारी दर को दूर करने के लिए या फिर बी जवानों को प्रोत्साहन करने के लिए या फिर नक्सलवाद को दूर करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों वो जो प्रहार है वह नक्सलवाद को दूर करने के लिए तैयार किया गया है जो कि क्या है छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण अभियान है ठीक है देखते हैं ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन सा है तो छत्तीसगढ़ का जो मातृत्व राज्य है वो कौन सा है मतलब जो छत्तीसगढ़ है वो किस राज्य से अलग होकर के बना है प्रश्न ये पूछा जा रहा है तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश से या फिर दोस्तों बिहार से तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है अर्थात आपने छत्तीसगढ़ का जो नक्शा देखा होगा दोस्तों उसमें आपको पता है कि एक क्षेत्र ऐसा है जहां पास पूरा का पूरा क्षेत्र जो है दूसरे राज्य की सीमा एक ही दूसरे राज्य की सीमा से क्या हुआ है घिरा हुआ है तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों उड़ीसा है ठीक है तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पास आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा उड़ीसा राज्य से जो दोस्तों ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है तो आपको पता होगा कि कितने भारतीय जो राज्य है उसके साथ यह लगा हुआ है तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन उप, पहले देख लेते हैं तो ऑप्शन में दिया हुआ है पाँच छः सात या फिर आठ तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सात तो सात जो राज्य हैं उसकी सीमाओं से ये क्या हुआ है लगा हुआ है कौन कौन सा है दोस्तों अगर हम लोग ऊपर में देखें तो ऊपर में आपका उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा उसके बाद है है आपका झारखंड झारखंड के बाद नीचे आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा उसके बाद आपका जो है सॉरी आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा उसके बाद है, नीचे तेलंगाना देखने को मिलेगा उसके बाद महाराष्ट्र को मिलेगा और ऊपर में दोस्तों आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों ये ऊपर का ये हो गया तीन नीचे का तीन छ हो गया और ये मध्य प्रदेश सात ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों सात जो जिले हैं वो सीमावर्ती जिले सॉरी सीमावर्ती राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ है ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं तो दोस्तों किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं तो वह है दोस्तों बिलासपुर सरगुजा रायपुर बस्तर टोटल अगर बात करें दोस्तों पूरे संभाग की तो पूरे छत्तीसगढ़ में पांच संभाग है इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ दूं तो वह दुर्ग संभाग तो कौन सा जिला है जहां पास जो है दोस्तों सबसे ज्यादा है किस संभाग के अंदर तो वह दोस्तों बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है सात जिले आते हैं ठीक है तो आपको इसको याद रखना है इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं तो कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया तो वही उसका करेक्ट आंसर है दो तीन चार या फिर पाँच तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों पाँच जो है करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ठीक है तो पाँच जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला क्या है दोस्तों ऊपर का आपने देखा वो सरगुजा संभाग है उसके बाद नीचे आपका देखोगे तो बिलासपुर संभाग मिलेगा उसके बाद आपका दोस्तों रायपुर संभाग मिलेगा उसके साइड में आपका दुर्ग संभाग मिलेगा और उसके पश्चात दोस्तों का बस्तर संभाग देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से कुल कितने संभाग है बस्तर करके पूरे तरीके से आपका पांच संभाग है ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है रायपुर बिलासपुर राजनांदगांव या फिर रायगढ़ तो बताने की जरूरत तो नहीं है तो रायपुर इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा गुजरती है तो छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है ऊपरी भाग से मध्य भाग से निचले भाग से या फिर कहीं से नहीं तो छत्तीसगढ़ का जो भाग है वो दोस्तों ऊपरी भाग से होकर के क्या होता है कर्क रेखा गुजरता है आपने देखा होगा अगर छत्तीसगढ़ का ये नक्शा है तो कोरिया सूरजपुर बलरामपुर तीन जिलों को छू करके कर्क रेखा जिसको हम क्या कहते हैं साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश की कहते हैं उस वह रेखा जो है गुजरती है ठीक है तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं तो सर्वाधिक जो तहसील है दोस्तों कौन सा जिले में है राजनांदगांव सरगुजा बिलासपुर या फिर दुर्गा तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गा तो दुर्ग जिले में क्या है सबसे अधिक तहसीलें हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम छोर पर स्थित जिला कौन सा है तो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम जिल स्थित पर जिले जो स्थित है कौन सा है वो है कांकेर सुकमा जांजगीर या फिर दंतेवाड़ा तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सुकमा जिला जो है वो सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर स्थित है तो अगर हम लोग बात करें वहाँ की तहसील में तो सुकमा का एक तहसील है वो है कोंटा तो कोंटा जो है सबसे नीचे में पड़ने वाला तहसील है प्रश्न कल घुमा करके पूछे तो आप ये जवाब दीजिएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो किस तरीके का है दोस्तों समस्तोष्ण अल्पाइन या फिर उष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ ना तो हल्का सा गर्म है ना तो हल्का सा क्या है ठंडा है नॉर्मल है तो ये क्या है उष्ण है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा होता है तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है आ, कौन सा है तो कमरधा, अभुजमाड़ बिलासपुर या फिर कोरिया तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अभुजमाड़ चूंकि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर बोलेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ का मासीन राम किसे कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ का मासीन राम अभुजमाड़ को कहा जाता है यहाँ लगभग दोस्तों दो सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जो कि अभुजमाड़ जो है बीजापुर जिले में आता है ठीक है सॉरी नारायणपुर के अंतर्गत आता है ठीक है तो आप इसको याद रखिए है, इंपॉर्टेंट है।, है, है? तो जाद, है? है लेकिन सबसे कौन सा होता है रायपुर दुर्ग रायगढ़ या फिर चांपा तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चांपा हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान आपको सबसे गर्म स्थान पता है चांपा तो आपको सबसे ठंडा स्थान भी आपको पता होना चाहिए अंबिकापुर चांपा जगदलपुर या फिर रायपुर तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंबिकापुर अंबिकापुर का जो मेन पार्ट है दोस्तों आपने देखा होगा सुना होगा तो वहाँ पास जो है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है तो छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है, है? दुर्ग सरगुजा जगदलपुर या फिर बिलासपुर इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिलासपुर तो मुख्यालय मतलब छत्तीसगढ़ का जो मुख्यालय है वो है बिलासपुर में स्थित है किसका मुख्यालय वन मुख्यालय ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है तो छत्तीसगढ़ का जो वन है वो लगभग दोस्तों 56 परसेंट जो है आपने देखा होगा सुना होगा तो वो है सिर्फ एक ही चीज है वो कौन सा है दोस्तों आपका साल सागुन बीजा या फिर बांस तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा साल ठीक है और साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है बस्तर को कहा जाता है प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ठीक है तो प्रश्न है दोस्तों वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है तो भाई कौन सा स्थान है तीसरा आठवां पांचवा सॉरी सातवां तो उसके लिए करेक्ट जो हो हो जाएगा जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान रखता है ठीक अगर हम लोग बात करें क्रम के अनुसार पर तो सबसे पहले नंबर पर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश आता है दूसरे नंबर पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आता है ठीक है और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है ठीक तो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ वनों की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तीसरे स्थान पर रखता है तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए और जो चीज समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है अन्य पार्ट आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके का वीडियो जो है आपको प्रतिदिन मिलने वाला है लगातार प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ दोस्तों कंप्यूटर का भी मैथ्स का भी तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए जो सब्जेक्ट में आपको डाउट है प्लेलिस्ट में देख लीजिए वीडियो अवेलेबल है आप आसानी से देख सकेंगे नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वहां पास भी देख लीजिए टेलीग्राम पर दोस्तों आप मेरे ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक पर भी ज्वाइन कर लीजिए ठीक है इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट करने के लिए डब्ल्यू विजिट करके भी आप आसानी से पोस्ट पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत टेक केयर ऑल द बेस्ट जय हिंद